नमस्कार, मैं श्रीमती सुनीता यादव शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी संकुल बरमकेला विकास खंड बरमकेला जिला रायगढ़ से। मैं यहाँ 2008 से कार्यरत हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में स्नातकोत्तर किया है। मेरे रायगढ़ जिले की मुख्य विशेषता, यहाँ पर चक्रधर समारोह व कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही प्रसिद्ध है। और भी अन्य विशेषताएं हैं। चूंकि मैं अपने शैक्षिक गतिविधियों पर बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो स्कूल है वो एक ग्रामीण अंचल में है। वहाँ की जनसंख्या भी कम है, वहाँ के लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। तो इसलिए शाला को आकर्षण बनाने के लिए मुझे नए नए नवाचार करने पड़ते हैं। जब से मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी का शून्य निवास नवाचार प्रशिक्षण लिया है, तो मुझे इससे काफी फायदे हुए हैं। शून्य निवेश नवाचार में हम कुछ न कुछ तो निवेश करते ही हैं, चाहे हमारा समय हो या कर्तव्य। तो हमने इस नवाचार के माध्यम से हमारे जो शैक्षिक गतिविधियों को बहुत ही आकर्षक बनाने का प्रयास किया। मैं बहुत ही आभारी हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने हमें ऐसा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया। श्री द्रोण शांडिल्य सर, जो कि बहुत ही मृदुभाषी हैं, जिन्होंने बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट मुद्दों पर हमें प्रशिक्षण दिया। और मैं विशेष रूप से मेरे शाला में अंग्रेजी और गणित विषय पर ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि ये जो इंग्लिश जो है, चूंकि ये विदेशी लैंग्वेज है और आज के डिजिटल इंडिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए मैं उसको प्राइमरी स्तर में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। और गणित, चूंकि इससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए लर्निंग प्रैक्टिकली के तहत, जो कि शून्य निवेश नवाचार ही है, तो इस पर मैंने काम किया है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें इंग्लिश या गणित से बिल्कुल ही डर नहीं लगता है। नवाचार का मतलब वही होता है कि नए नए व्यवहार शिक्षा पद्धति में, जो प्रारंभ जो पूर्व में चली आ रही जो परंपरागत पद्धतियां हैं, उसको परिवर्तित करते हुए नए नए प्रयोग करना, ताकि हमारे शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आए। तो इसके लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया है और इसका परिणाम यह है कि आज मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, बच्चे मजे से पढ़ते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू श्री अरविंदो सोसाइटी कि आपने हमें अवसर दिया। धन्यवाद।